बैक टू माई चैनल। कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हम घर पर कैसे हेयर स्पा कर सकते हैं, वो भी नेचुरल इन्ग्रीडियंट से। आप सभी जो हेयर स्पा करवाते हैं उनको पता होगा कि पार्लर में हेयर स्पा करवाना कितना कॉस्टली होता है। पार्लर में हम हमेशा बड़े ब्रांड का हेयर स्पा करवाते हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पे सबसे जो छोटे पार्लर बोलूँगी, जो मतलब बहुत हाई फाई पार्लर नहीं है, एकदम मिनिमम जो रेंज के पार्लर हैं उसमें भी 800 रुपये में हेयर स्पा स्टार्ट होती है। 800 रुपये से आगे हेयर स्पा जाती रहती है। तो मुझे तो 800 रुपये देना बहुत ही खलता है, मेरे लिए 800 रुपये बहुत मायने रखता है। आपके एरिया में डिपेंड करता है, आप किस टाइप के पार्लर में जाओगे तो उस हिसाब से हेयर स्पा का 2000-3000 तक भी प्राइस जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के पार्लर में जाते हो। तो मैं तो अपना हेयर स्पा अपने से ही कर लेती हूँ। मैंने लास्ट हेयर स्पा करवाई थी जब लड्डू को कंसीव कर रखा था, तो उन दिनों में मैंने 2 बार हेयर स्पा पार्लर में करवाया था, जिसका पैसा मुझे ट्रस्ट में बहुत लगा था, बहुत चुभा था। ये चीज़ें मैं अपने घर में ही अपने आप से अच्छे से कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आप भी अपना हेयर स्पा अपने घर में कीजिए और चलिए देखेंगे कि कैसे हेयर स्पा करना है। और हेयर स्पा में बस थोड़ी सी चीज़ें खर्च होनी है, बिना पैसे की भी कह सकती हूँ हेयर स्पा, बिना पैसे का 1 रुपया खर्च मत करो। और बिना पैसे के हेयर स्पा आपके घर में हो जाता है, और अगर पैसा खर्च हुआ भी आपका तो मुश्किल से 8 से 10 रुपये बस। तो चलिए हम देखते हैं। बट उससे पहले अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल बटन जरूर दबाना ना भूलें, बेल बटन दबा लें ताकि मेरे न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए चाहिए हमें कंडीशनर। मैंने यहाँ डव के 2 पाउच लिए हैं, आप कोई भी कंडीशनर ले सकते हो। और यहाँ दही 2 चम्मच, इसके बाद एलोवेरा जेल एंड सीरम, कोई भी सीरम ले सकते हो। अभी मैं दही में कंडीशनर उसको मिक्स कर दिया है, एंड अब इसमें मैं डालूँगी एलोवेरा जेल 1 चम्मच के लगभग, क्योंकि मेरे बालों की लेंथ इतनी ही है। और इसके बाद मैं सीरम भी 1 चम्मच ही डालूँगी। आपके बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें लेना। मेरे बालों की लेंथ थोड़ी सी कम है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें कम मात्रा में डाल रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। जब आप अच्छे से मिक्स करोगे ना इसको, तो ये बिल्कुल मार्केट के हेयर स्पा जैसा ही दिखेगा आप। और मैंने इसमें सीरम डाला है इसमें क्यों, क्योंकि जब आप मार्केट में, आप पार्लर में कोई हेयर स्पा करवाते हो तो वो आपके जो स्पा प्रोडक्ट होता है इसमें सीरम मिक्स करके वो लगाते हैं, इसलिए मैंने सीरम भी डाला है। आप चाहो तो इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हो, बट मैं ऐसा करती हूँ। अभी मैं अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर रही हूँ, जो ट्रायंगल है वो सारा निकाल लूँगी। नारियल का तेल लेंगे, मैंने ये वाला लिया है, आप जो भी चाहें, मैंने पैराशूट का लिया, आप जो भी चाहें ले सकते हैं। और इस तेल से हम अपने सिर्फ जड़ों में मसाज करेंगे, स्कैल्प पे। हमें इसे अपने रूट्स में ही लगाना है, जस्ट स्कैल्प पे लगाना है और सिरे पे नहीं लगाना है। तो जस्ट ऐसे ही इसको मसाज करना है। अच्छे से मसाज करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब 5 मिनट हो चुके हैं, बालों को थोड़ा सा हम इस स्प्रे बोतल से गीला करेंगे। बालों को गीला करना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम स्पा क्रीम लगाए अपने बालों पे तो अच्छे से चिपके एंड काम करे, वो अपना स्पा का जो काम होता है वो अच्छे से। अब बालों के छोटे छोटे सेक्शन निकाल के जो स्पा क्रीम हमने बनाई है उसे लगाना है। तो मैं छोटे छोटे सेक्शन निकाल के लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं इसे मैं जड़ में नहीं लगा रही हूँ, जस्ट ऊपर ऊपर ही लगा रही हूँ। तो इससे क्या होगा ना कि ये अच्छे से लग जाएगा, एंड इसको लगाने के बाद मैं दूसरे साइड भी ऐसे ही लगाऊँगी और अच्छे से ऐसे ही मसाज करना है। बालों को खड़े खड़े करके मसाज करना है, अच्छे से स्ट्रेट करना है, ताकि इस स्पा से आपके बाल जो है स्ट्रेटनिंग भी उसकी अच्छी हो। और मैं देख सकते हैं आपकी, मैं ऐसे ही कर रही हूँ। अब अच्छे से लगा के इस पैक को हमें बालों को टाई कर लेना है। इस पे मैंने सावर कैप लगाया था, पहले फुटेज में भूल गई थी। आपने कितना इजी है घर पे हेयर स्पा करना। मैंने अपने बालों में अभी हेयर स्पा कर रखा ऑलरेडी, और ये हेयर स्पा करने के बाद मैंने ये वीडियो शूट किया है। तो आप मेरा बाल देख सकते हैं, मेरे बाल कर्ली है लेकिन फिर भी देख सकते हैं कि उंगलियां बाहर निकल रही है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा हेयर स्पा मेरा हो चुका है।
और कोई उलझन नहीं है। हाँ, मेरे बाल कर्ली है इसलिए थोड़ा सा कम विजिबल आपको लगेगा, लेकिन जो स्ट्रेट बाल है उनमें बहुत अच्छे से विजिबल होता है। बट ट्रस्ट मी, कर्ली बालों में भी, मतलब मेरे बाल आप देख सकते हो, कर्ली बाल कभी भी सिल्की नहीं होते हैं। लाइव आपको डेमो दिखा रही हूँ, तो हेयर स्पा देखिए और ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा हेयर स्पा है। आप लोग इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिए, ट्राई करके बताइए कि हेयर स्पा आप पे वर्क किया या नहीं। अगर नहीं किया है तो भी बताइए, अगर किया है तो प्लीज़ बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपके कमेंट्स देखूंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। और इसके साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। आपके लिए लाइक का कोई मतलब नहीं, आपको तो फ्री करना है, आपको लाइक दबाने के लिए पैसे भी पे नहीं करने हैं, लेकिन हमारे लिए लाइक का बहुत बड़ा मतलब है, क्योंकि एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और अच्छा वीडियो बनाने के लिए। तो उम्मीद करूँगी कि आप लोग लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल, एंड मुझसे हमेशा कनेक्टेड रहेंगे यू ही। अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।